आज हम श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान कर रहे हैं। इसमें बाल कांड से शुरुआत करते हैं, तो इसका पहला श्लोक है, वर्णनामात संघानाम रसानाम संदचापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यति सिद्धा स्वान्तम ईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यथा मिश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहारी कारणम कलेश हारणम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो अहम राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया पशुवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वात्मनुष्वै भाति सकलम रज्जो यथा हेरभमय यत् पादवमपेक्षमे हि भवाम्भो धेस्थिर तीर्षार्तां वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों पर समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम आगम समतम यत् रामायणे निगते तम क्वचिन्तेऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा जो समीरत सिद्धि होई गण नायक कपिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास्ति सुगुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कलि मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम उरि धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए
लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह कर कृपा मृदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मृदन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोया तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमेय मूर्य मय चूरण चारु समन सकल भव रुचि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है।